नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको ये शेयर करूँगा कि अभी जैसे पॉली हाउस में कुकुम्बर की क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। ये देखिए, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है क्रॉप। ये देखिए, चेक कर सकते हैं आप। अभी इसकी आज पहली तुड़ाई करेंगे कुकुम्बर की। अभी पौधे स्वस्थ हैं सभी। कहीं कहीं पे लीफ लाइनर की प्रॉब्लम आ रही है, इसको लीफ लाइनर बोलते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है इसमें। हम एक पेस्टिसाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी बीमारी। तो अभी इसमें जब हार्वेस्ट करते हैं, हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो कुकुम्बर का जो वेट है वो 140-150 ग्राम के आसपास रहे। अगर इससे ज़्यादा वेट का हम कुकुम्बर तोड़ते हैं तो इस पे जो ऊपर फ्लावरिंग आ रही है या ऊपर जो ग्रोथ है पौधे की वो रुक जाती है ग्रोथ, या फिर ये जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सूखने लगते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा बड़ा या इससे ज़्यादा वेट का खीरा हम तोड़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो खीरे का जो वेट है जब तुड़ाई के टाइम पर वो 140-150 ग्राम के आसपास रहे, इससे ज़्यादा वेट ना होने दें। तभी हमारी जो बेल की ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी और उस पर फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी, और जो आगे फ्रूट बन रहा है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं आगे फ्रूट बन रहा है जो, ये भी अच्छा ग्रो करेगा अगर हम इसको टाइम पे तुड़ाई करेंगे तो। इसके साथ साथ हमें इसमें खाद पानी जो अपना रहता है वो भी समय अनुसार उसका भी हमें ड्रिप में चलाना पड़ता है उसको भी। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे बस यही ध्यान रखना है कि एक तो आपको इसको 140-150 ग्राम के आसपास वेट का खीरा तोड़ना है, और एक जब तोड़ते हैं इसको हल्का सा यहाँ से पकड़ के ऐसे, ये देखिए आप इसको बस ऐसे करके ऐसे तोड़ सकते हैं आप यहाँ से हाथ के साथ ही, जैसे किसी ब्लेड या चाकू के साथ काटने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये जो फ्लावर आ रहा है कुकुम्बर के आगे, ये भी ऐसे ही रहने दें, इससे जो है क्वालिटी अच्छी रहती है कुकुम्बर की। आगे ही ऐसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।